आज हम आपको देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम धतूरिया राव की ओर ले चलते हैं, जहां पर आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जिस तरह प्रदेश सरकार बच्चों को मौलिक शिक्षा पर जोर दे रही है, वहीं आज नजारा कुछ और देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से ग्रामीण जन की सहायता से स्कूल वाहन को रोड तक ग्रामीणों की मदद से ले जाया जा रहा है और किस तरह बच्चों को आपसी भेदभाव भूलकर कंधों पर उठाकर वापस स्कूली वाहन तक ले जाया जाता है। यही नहीं, ग्राम में जब भी कोई बीमार होता है या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाया जाता है तो उन्हें कंधे पर या खटिया पर लेटा कर ही ले जाया जाता है। ग्रामीणों से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में आजादी के बाद से आज तक रोड नहीं बनी है, जिसके चलते हमें इन्हें ऐसे ही ले जाना पड़ता है। देखिए हमारे इस वीडियो में किस तरह से महिला को मोटरसाइकिल पर रोड तक लाया जाता है और जन्नी एक्सप्रेस में अस्पताल तक ले जाया जाता है। समस्याओं को देखते हुए जब गांव तक जाया गया तो वहां पर ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं से जूझने की बात सामने आई। मामले को लेकर जब सरपंच महेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने महेंद्र सिंह ने बताया कि टेंडर हो चुका है और हमें ग्रामीणों को समझाते हुए जिंदगी निकल गई है, मगर शायद सरपंच को यह नहीं पता कि अभी उसे सरपंच बने 5 वर्ष ही हुए हैं, तो फिर जिंदगी निकलने वाली बात कैसे कह दी सरपंच ने, यह बड़ा सोचने का विषय है। यही नहीं, ग्राम में नहीं तो अब तक किसी भी ग्रामीण जन को ना तो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं और ना ही शौचालय बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह देखने में आई है कि गांव में अब तक शमशान घाट भी नहीं बनवाया गया है। बात करें स्वच्छता अभियान की तो सरपंच और सचिव के द्वारा स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, क्योंकि ग्राम में और भी सरपंच रहे हैं जिन्होंने कई मर्तबा शिकायतें की हैं, मगर उन शिकायतों का निवारण आज तक कहीं होते नजर नहीं आया। हालांकि मीडिया के द्वारा पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से जब तक बात की गई तब मामले से अवगत कराया गया तो ग्रामीणों की समस्या से आहत होकर उन्होंने तुरंत 30 डंपर मुरम्मर से रोड को सुधारने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए। काका यहाँ पे लाए हैं आप तो किस कारण से लाए? डिलीवरी के कारण लेके आए। तो गांव में रास्ता नहीं है तो उसकी गांव में साफ रास्ता कोई भी नहीं है साहब, ना तो मंत्री सुनता ना कोई सरपंच सुनता है ना कोई विधायक सुनता कोई। अब अगर ऐसे में डिलीवरी अगर रास्ते में हो गई तो उसका जिम्मेदार ये तो इंसान का जान चला जाए क्या? ऐसी ऐसी परेशानी है, मंत्री सरपंच कुछ भी नहीं सुनता साहब यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रंजन सिंह गुजर। नाम है आपका? सुल्तान अभी। क्या है आप यहाँ पे? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। किस तरह के बच्चों को लाने ले जाने में आप? बच्चों को लाने ले जाने में आप ही रास्ता देखिए, ये रास्ता ये ऐसा है, इसमें से मेरी सहायिका ऐसे बच्चों को लेके आती है और जब कीचड़ हो जाता है पानी हो जाता है तो ये ऐसे रास्ते से गुजर के और मेरे घर के यहाँ ना तो सरकार। तो आंगनवाड़ी केंद्र अब तक सरकार ने यहाँ पे स्वीकृत नहीं किया? नहीं करा। यहाँ सरपंच सचिव आते ही नहीं है, हमने सरपंच को देखा ही नहीं, क्योंकि 4 गाँव का सरपंच है, 3 गाँव का विकास हुआ है, हमारे गाँव का कोई विकास नहीं है। तो किस तरह आंगनवाड़ी केंद्र लगाते हैं आप? किस तरह ये ऐसे लगाते हैं, हमारे घर पे मेरे जेठ का मकान है, ये मैंने किराए से लिया है। अच्छा, और मैं इस मकान में जेठ के मकान। अब जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आपके यहाँ पे अधिकारी आंगनवाड़ी के भी आते होंगे? आते हैं ना, वो भी देख के चले जाते हैं। बाकी स्कूल में कहीं सरकारी जगह ही नहीं है, स्कूल भी टूटा हुआ है और एक ही कमरा है। आपका? शोभा राम जाट। किस तरह की समस्या है आपके गांव में? सर हमारे गांव में तो समस्या तो इतनी खतरनाक समस्या है, पर अब हम क्या बताएं आपको। अभी तक यहां पे जो भी नेता लोग आए हैं वो सब खाली अपना काम निकाल के चले गए हैं, बाकी प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई है। इतनी परेशानी है इस गांव में, स्कूल के वहाँ आते हैं यहाँ की जगह बच्चे स्कूल तक जा नहीं पाते हैं, बहुत सारी समस्याएँ। यहाँ पर शमशान घाट नहीं है, गाँव में रोड नहीं है। अब जैसे बात करें हम शमशान घाट की, तो हर ग्राम में शमशान को प्राथमिकता दी गई है, हर जगह शमशान घाट होना अनिवार्य है। अब आपके गांव की आबादी कुल 500 से 1000 के लगभग है जी सर, है ना? तो अब यहां पर अभी शमशान घाट नहीं है तो किस तरह से यहां पे दाह संस्कार किया जाता है? सब ऐसे ही किया जाता है सर, बड़ी मुश्किल से ले जाते हैं वहाँ तक, रास्ता नहीं है ना कोई शमशान घाट है, बड़ी। इसकी शिकायत आपने की कभी किसी? बहुत बार शिकायत हो गई सर इसकी। क्या सरपंच और सचिव ने इस ओर ध्यान दिया? यहाँ पे जो सरपंच है फिरियाल, वो सरपंच भी ऐसा है कि उसने भी कुछ नहीं किया और ना कुछ करता है वो। अब आगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, हम तो बहुत परेशान हैं, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप यार एक वो आपके पास भी संज्ञान में लाया गया ग्रामवासियों के द्वारा, तो क्या उसमें रोड वाला प्रधानमंत्री सड़क योजना में है धतूरिया की सड़क,
हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सूरज सिंह जी और भारत सिंह जी एनाबाद दो बार उस गांव में होकर आए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का ये सिस्टम है कि वहाँ जब सड़क बनती है तो यदि किसी किसान की भूमि जाती है तो उसे मुआवजा नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री सड़क की आज से नहीं बरसों से मैं तो बनवा रहा हूँ। वहाँ हमने अपने दोनों नेताओं को भेजा था कि भाई गांव वाले यदि लिख के देने को तैयार हैं कि हम सड़क बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी भूमि देने को तैयार हैं। तो अभी अधिकतर लोगों से लिखवा लिया, एक दो लोग अभी गड़बड़ करना है, लेकिन कल 25-30 डंपर पहुँच जाएंगे। हमारे विभाग की तरफ से हम करा रहे, हमारे विभाग में नहीं आती सड़क, PWD में। हाँ 25-30 डंपर, हमने 20 डंपर बोले, हमने 30 डंपर का कहा कि 30 डंपर डला दो, तो कल से चार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।